नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, साल 2023 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हम लोग साल 2023 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। साल 2023 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब पड़ने जा रहा है, इसका सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से लेकर कब तक चलेगा और ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, दोस्तों इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप लोग इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2023 में 2022 के ही तरह कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो ऐसे में हम आपको इसके सही तारीख और समय के बारे में चलिए बताते हैं। दोस्तों, साल 2023 का पहला ग्रहण अप्रैल के महीने में लगने जा रहा है और यह ग्रहण एक सूर्य ग्रहण के रूप में होने वाला है। साल 2023 का पहला ग्रहण जो है 20 अप्रैल 2023 को लगेगा, यह एक सूर्य ग्रहण होगा। पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह के 7:04 से ही शुरू हो जाएगा, और ग्रहण के खत्म होने के बारे में बात करें तो यह ग्रहण 12:29 पर समाप्त होगा। तो काफ़ी लंबा यह ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 5.5 घंटे का यह ग्रहण रहेगा। ग्रहण के बारे में अगर हम बात करें तो यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग जो कि भारत के ही व्यक्ति हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, तो वो इस ग्रहण को देख सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नियमों का पालन कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों, साल 2023 के दूसरे ग्रहण के विषय में बात करें तो साल 2023 का दूसरा ग्रहण मई के महीने में लगने जा रहा है। साल 2023 का दूसरा ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को लगेगा। यह ग्रहण रात के 8:45 से ही शुरू हो जाएगा और देर रात 1 बजे तक रहेगा। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस ग्रहण का सूतक काल तो मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण काल भारत में मान्य होगा, यानी कि सूतक से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन नहीं करना है, लेकिन ग्रहण से जुड़े हुए नियम जो है उन सभी का पालन आपको करना है। दोस्तों, साल 2023 का तीसरा ग्रहण अक्टूबर के महीने में लगने जा रहा है, यह एक सूर्य ग्रहण होगा। साल 2023 का तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होने वाला है और यह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को लगेगा। शनिवार को पड़ने की वजह से साल 2023 का तीसरा ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जाता है अगर शनिवार को सूर्य ग्रहण पड़े तो वह भयंकर अशुभ होता है और इस दौरान नियमों का पालन सावधानी से करना रहता है। हालांकि आपको बता दें, साल 2023 का तीसरा ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर दिन शनिवार को लग रहा है, यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं साल 2023 के चौथे और आखिरी ग्रहण के विषय में। दोस्तों, साल 2023 के चौथे और आखिरी ग्रहण के बारे में आपको बताएं, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं साल 2023 का चौथा ग्रहण जो कि आखिरी ग्रहण होगा वह कब लगेगा। दोस्तों, साल 2023 का चौथा ग्रहण जो है एक चंद्र ग्रहण के रूप में होने वाला है। यह ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। 29 अक्टूबर की रात 1:06 से रात 2:22 तक रहेगा, यानी कि यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल जो है ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व से ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका सूतक काल
शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूतक काल लगने के बाद देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी 2023 में कोई भी शुभ काम को करने के बारे में सोच रहे हैं तो ग्रहण के सभी तारीखों को नोट कर लें ताकि आप इस तारीखों को छोड़कर ही कोई भी काम करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।